दिल को दहला देने वाली खबर बिहार के समस्तीपुर से भी आई। यहां 9वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया गया। गंभीर तौर पर झुलसी छात्रा को पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना विद्यापति नगर के हरपुर बोझा गांव की है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके हाथ पैर बांध दिए, मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। गंभीर तौर पर झुलसी छात्रा को पटना ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन इसे एक अपहरण की घटना से जोड़कर देख रहे हैं। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने विद्यापति नगर महानार रोड को जाम कर दिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई है और उसकी तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के पिता को बताना है कि कुछ महीने पहले गांव की एक युवती का अपहरण हुआ था, जिसमें उनके द्वारा लड़की के पक्ष में सहयोग किया गया था। तब से अपहरणकर्ता के द्वारा अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी, ये बात पिता ने बताई है। असल में क्या मामला है सर? मामला ये, कल सूचना मिली कि हरपुर बोछा में आकांक्षा कुमारी की वो अमित और सुमित नाम के आदमी ने आग लगा करके हत्या कर दी है। और घटना का कारण उससे पूर्व अपहरण कांड हुआ था एक बगलगीर के लड़की का, और उसी अपहरण के आक्रोश में और साजिश करके दो तीन आदमी और इन्वॉल्व है उसमें, उसने लोगों ने मिलकर हत्या की है। और हम लोग मतलब डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी प्रक्रिया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्द वगैरह और मेरे स्तर से फर्द बयान लिया गया है। इन लोगों का डेड बॉडी जो है पटना से इलाज करने के बाद लाया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है।